हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है पूरा, जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पर मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज़ दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सम ऑफ द कॉलेजेस। नाउ आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, दैट मीन्स आई विल ट्राई टू रिपीट एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश एज वेल एज एवरी सेंटेंस इन हिंदी, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हियर हु आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद जस्ट हिंदी लैंग्वेज, एंड देर आर मेनी स्टूडेंट्स हियर हु आर नॉट कम्फर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज। सो दैट इज़ वाई आई हैव टू टेक दिस सेशन इन अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज। नाउ इन दिस सेशन वी विल बी सॉल्विंग गेट क्वेश्चन फ्रॉम 1987 टू 2019। So if you are watching this video after 2020, so maybe I'll make a separate video for the latest questions of 2020. And in this video, we will be solving the questions from Boolean algebra topic from digital logic. And the questions from Boolean algebra is comparatively very easy. Boolean algebra ke jo questions hai, wo kafi asaan hote hain. As compared to this entire subject of digital logic, we have difficult portions also, but as this is the very first chapter of digital logic, so we have to स्टार्ट विथ बुलियन एल्जेब्रा ओनली। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1987 से लेकर 2019 तक, और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो डिजिटल लॉजिक रहेगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बुलियन एक्सप्रेशन। सो द क्वेश्चन सेज एज फॉलोज, वी हैव ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए, एंड दे आर आस्किंग दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ इफ यू रिमेंबर दैट एक्सॉर गेट इज नॉट एडम्पोटेंट। Now what do I mean to say by this is, when you do A XOR A, so that is equivalent to 0, right? So A XOR A is not equivalent to A, right? So this property is there in the XOR gate. Secondly, XOR gate is commutative. जो XOR gate है वो commutative है. So what is this commutative property? If I do A XOR B, this can be written as B XOR A. ए एग्जॉर बी को हम बी एग्जॉर ए भी लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स दिस गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एग्जॉर ए एग्जॉर बी। इस पूरी इक्वेशन को हम ए एग्जॉर बी की तरह भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, इफ दिस ए एग्जॉर ए इज बेसिकली इक्वलेंट टू जीरो, सो दैट विल बी जीरो एग्जॉर बी। एंड वी नो वेन एवर वी डू जीरो एग्जॉर बी, सो जो रिजल्ट आएगा द रिजल्ट विल बी इक्विवेलेंट टू बी ओनली, बिकॉज इफ आई डू जीरो एग्जॉर सम वेरिएबल, सो दिस विल बी दैट सेम वेरिएबल इटसेल्फ, एंड इफ आई डू वन एग्जॉर दैट वेरिएबल, अगर हम किसी वेरिएबल के साथ वन को एग्जॉर करते हैं, इन दैट केस इट विल बी ऑपोजिट ऑफ दैट वेरिएबल। सो इन दिस केस इट विल बी इक्विवेलेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर बी की वैल्यू वन होगी सो द रिजल्ट विल बी जीरो,
अगर बी की वैल्यू जीरो होगी सो द रिजल्ट विल बी वन. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड क्लियर. देयरफॉर दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू गिविंग जस्ट बी ओनली. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर सी. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 1987. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ द बुलियन वेरिएबल्स ए बी सी विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन. सो लेट अस टेक दीज इक्वेशंस वन बाय वन. सो वी हैव द इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन से आइदर ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू वन और बोथ ऑफ देम, राइट? देन ओनली द वैल्यू विल बी वन. बट इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन नंबर फोर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर वी नो ए बी इज इक्वल टू जीरो ओनली इफ आइदर ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन और ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू जीरो. हाउ आई गॉट दिस वैल्यू इज बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन सेज दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो वन है एंड द सेकेंड इक्वेशन सेज इक्वेशन नंबर फोर सेज दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है ना. अगर आप इस केस में if you look at this equation which is a c is equal to b c which is your equation number 2, ab hame clearly pata hai yahan par that this c should be the same, right? jo dono c hai wo same hone chahiye and we know ya to a 1 hai aur b 0 hai ya fir a 0 hai aur b 1 hai, matlab dono ki jo values hai wo opposite hai and this is and gate. to and gate mein अगर हमारे पास C जीरो होगा, इफ़ C इज़ ज़ीरो देन ओनली ये जो पूरी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी, देन ओनली दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट C शुड बी इक्वल टू जीरो. C की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए. अगर C की वैल्यू जीरो है देन फ्रॉम इक्वेशन थ्री आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A. तो इक्वेशन थ्री क्या है, A प्लस C इज इक्वल टू वन, सो पुट C इज इक्वल टू जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस जीरो इज इक्वल टू वन. देयरफॉर आई कैन से द वैल्यू ऑफ ए इज वन. ए की वैल्यू वन है. सो हमें क्या क्या वैल्यूज पता चल चुकी है, वी नो द वैल्यू ऑफ सी इज जीरो एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ए इज वन. नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर. वी नो हियर कि आपके पास ए की वैल्यू जो है वन है. हमें पता था कि ए बी इज इक्वल टू जीरो था, सो एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ए इज वन, सो द वैल्यू ऑफ बी शुड बी जीरो. सो द करेक्ट आंसर इज द वैल्यू ऑफ ए इज वन, द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ सी इज जीरो. So in this way you can easily find the values of all these three variables. So basically it is just like mathematical equations. आपके पास चार equations given है. All you have to do is find what should be the value of A, B and C according to these four equations. This is very very easy question as you can identify from this. Now let us look at the next question here. The next question क्या बोलता है, choose the correct alternative, more than one may be correct. Write the corresponding letters only. The operator which is commutative but not associative. इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो commutative भी है, commutative है लेकिन associative नहीं है. अगर आप AND gate की बात करेंगे, AND gate is commutative as well as AND gate is also associative. AND gate जो है वो commutative भी है और associative भी है. जो OR gate है, OR gate is commutative as well as it is also associative. OR gate जो है वो commutative भी है और associative भी है. अब देखो कॉम्बिटेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिटेटिव. इफ़ यू हैव ए और बी दिस कैन बी रिटन एज बी और ए, राइट? हियर इट मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिटेटिव. एंड व्हाट डू मीन बाय एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, दिस इज अ प्रेसिडेंस. सो इफ यू ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी इट शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट? इन द सेम वे हियर इट इज ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी. तो यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली दैट एंड गेट इज कॉम्बिटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, और गेट इज ऑल्सो कॉम्बिटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव. बट इफ यू लुक एट दिस एग्जॉर गेट, एग्जॉर गेट इज अगेन कॉम्बिटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव. एग्जॉर गेट जो है वो कॉम्बिटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है. बट दिस नैंड गेट हियर, नैंड गेट इज कॉम्बिटेटिव बट इट इज नॉट एसोसिएटिव. जो नैंड गेट है वो कॉम्बिटेटिव है लेकिन वो एसोसिएटिव नहीं है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर डी, दैट नैंड गेट इज कॉम्बिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हियर दे आर सेइंग लेट स्टार बी अ बुलियन ऑपरेशन डिफाइंड एज फॉलोज. तो स्टार की डेफिनेशन क्या है, व्हेन आई सी ए स्टार बी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट विच इज बेसिकली ए एक्स नॉर बी. अगर हमें पता होगा वट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स नॉर, यू नो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए एक्स नॉर बी. अब उन्होंने बोला सी इज गिवन एज ए स्टार बी, जो सी की वैल्यू है वो है आपके पास ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज ए स्टार ए, सो ए स्टार ए विल बी इक्वल टू ए डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट. देन दिस वैल्यू विल बी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू वन. सो जो आपके पास ए स्टार ए है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी वन. इट इज़ वेरी इजी राइट. बट इफ यू लुक एट द सेकेंड वन सेज वी हैव सी स्टार ए, और हमें सी की वैल्यू पता है. सो सी इज ए स्टार बी स्टार ए, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे, वी हैव ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर ए. तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. नाउ इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स नॉर गेट देन यू कैन इजिली सॉल्व इट राइट. आप यहाँ से एक्स नॉर की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं. यू नो दैट एक्स नॉर गेट इज कॉम्यूटेटिव, तो आप इसको कर सकते हैं. बट अगेन लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, ओके, लेट मी डू इट दिस वे. दिस विल बी शॉर्टकट मैनर. सो वी नो दैट व्हेन आई से ए एक्स नॉर ए, सो दैट विल बी इक्वल टू वन राइट. If you remember this table, this is variable a, this is b, and this is a x nor b. The values can be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So x nor assumes a value 1 when both of them are same, otherwise it is 0. That is why if I do a x nor a, that is equal to 1. And I know that x nor gate is commutative. I know a x nor b is also equivalent to b x nor a. So hume pata hai that x nor gate jo hai wo commutative hai. So this equation can also be written as a x nor a x nor b, and this value will be equal to how much. तो ये जो value क्या है यहाँ पर, so this will be 1 x nor b, 1 x nor b. और हमें पता भी है, so whenever we have 1 x nor b, so this should be equivalent to b only. इसकी जो value है वो b के equal है. So if b is 1, then the result will be 1. If b is 0, then the result will be 0. So for the first option, here the value is 1, and here the value is equal to b. I hope this is very simple. The second is, solve the following Boolean equations for the values of a, b and c. So equations are as follows. We have a, b plus a complement c is equal to 1, and second is a, c plus b is equal to 0. Okay. Now from these equations, you can see that here from this you can say that this result will be 0 only if b is 0, b is equal to 0, as well as a dot c is also equal to 0. Then only this entire result will be equal to 0. So from this I can clearly say jo value hai b ki, b is 0. This is something that I know. Okay. Now if I just use this value, agar main is value ko use karunga in the very first equation here, so the very first equation is a b प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू वन. और हमें पता है दैट दिस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर ए सी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, आई मीन वी नो बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इज ज़ीरो. सो आई कैन राइट इट एज ज़ीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू वन. देयरफॉर आई कैन से ए कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू वन. सो आई नो टू वैल्यूज. आई नो दैट ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आई नो ए कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू वन. It means that the value of C should be 1 and the value of A should be 0. So here this complement will also becomes 1. So now I hope I know the values of all the variables. I know that value of A is 0. I know the value of B is 0. And I know the value of C is 1. So the correct answer is 0, 0, 1. So in this way, you can solve this question very easily. It's a very, very easy question as you can see here. Now let us look at this problem here. This problem says, what values of a, b, c and d satisfies the following simultaneous Boolean equations? So, hume kuch values given hai. So, we know that a complement plus a b is equal to 0. We know that a b is equivalent to a c. We know a b plus a c complement plus c d is equal to c complement d. These equations are given. Okay.
लेट अस टेक दीज इक्वेशंस वन बाय वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. सो लेट अस टेक इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर वन सेज दैट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो. नाउ ऑन द इक्वेशन नंबर वन आई कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसके ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ. तो यहाँ पर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए विच इज इक्वल टू जीरो. सो दिस कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. सो दिस विल बी जीरो ओनली इफ बी इज जीरो एज वेल एज दिस एंटायर ए कॉम्प्लीमेंट इज जीरो. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ ए इज वन. सो वी नो टू वैल्यूज नाउ. ओके, नाउ इफ यू नो दीज टू वैल्यूज आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर टू. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू आई नो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी. आई नो द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो. आई नो द वैल्यू ऑफ ए इज वन. आई नो दिस वैल्यू ऑफ ए इज ऑल्सो वन. सो आई कैन से इट जीरो इज इक्वल टू सी. राइट, देयर फोर द वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल इज ऑल्सो नोन. सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज वन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज जीरो, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी इज जीरो. These things we know right now. Okay, now we can also find the value of variable d from these things. From equation 4 I can find the value of d, but again let us see if we can eliminate any of these options. So this option number a is fine. I cannot eliminate option number a, right? And I can eliminate option number b, and I cannot eliminate option number d, and I can eliminate option number c. So far we have eliminated option number b and c. Now let us look at equation number 4. So equation number 4 says that AB plus AC complement plus CD is equal to C complement D. So just put all these values. The value of A is 1, the value of B is 0, the value of A is 1, the value of C is 0, so C complement will become 1. So C ki value jo hai wo 0 hai, to C complement ho jayega 1. So this is 0 and this D is as it is, and then this C complement is 1 dot D. So that means I can say this result will be 0 plus 1 plus 0 is equal to d. Therefore I can say d is equal to 1. So the value of the variable d is equal to 1. Hence the correct answer is option number a, and option number d is wrong in this case. I hope that you understood this question. This is a very easy question. There's nothing very difficult in any one of these questions. Okay, let us look at the next question. Here they are saying let star be defined as x star y is equal to x complement plus y. Now we have a variable z, so z is x star y. Z ki value hume pata hai, it is x star y. So what is the value of z star of x? Okay, so when you do z star x, so just put the value of z here. So z ki value kya hai? This is x star y star x. So this is the value of z. Now from this you can just put their values. So it x star y means it is x complement plus y star x. Again let us assume that this is x and let us assume that this is y. So you can apply the same formula. So this value will become your x complement plus y whole complement plus x. So now you can easily solve it. You can apply De Morgan's law on this. So this is x complement complement dot y complement plus x, which is equal to x dot y complement plus x. So that means you can take x as common. So this is y complement plus 1, which is actually equivalent to saying x only. So the entire result of this equation is equivalent to x. Therefore option number b is the correct answer for this problem. This question was asked in year 1997. Now let us look at the next question. Again this is a very very interesting question, but if you know the property it's very easy question. They are saying what happens when a bit string is XORed with itself n times. So here we are having XOR gate. So if you know XOR gate, if you do A XOR A, agar aap A ko khud ke saath XOR perform karte hain, so this A XOR A is equivalent to saying, so when let me just make the table here also. This is A and this is B, 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1, and this is A XOR B. So if both these values are different, then only this value will be 1, otherwise
this will be 0. So when I do A XOR A, that means both these values are same, so the result will be 0, correct? But if I do A XOR A XOR A, then the result will be 1. So the property says something like this, that if it is repeating even number of times, if this is repeating even number of times, that is, even if we have A XOR A XOR A XOR A, if this is repeating even number of times, then the result will be 0, and this can repeat any number of times. And if it is repeating odd number of times, like A XOR A XOR A XOR A XOR A, so here 5 A are there, so the result will be 1. So here it is odd number of times, odd number of times, right? So in this case, if the value of n is even, if the value of n is even, then the result will be 0. But if the value of n is odd, then the result will be 1. This is a very straightforward direct property of XOR gate. Now in options, it says option number D, so remains unchanged when n is even. So whenever the value of n is even, every time you are going to get a answer as 0. Otherwise, when the value of n is odd, then you'll always get an answer as 1. So correct answer for this problem is option number D. Now let us look at this question again. This is a very easy question. This question we have already done before also. So they're asking which of the following operator is commutative but not associative, and we have seen this question before also. Is question ko humne pehle bhi check kiya tha. So I know the correct answer is option number C. This NAND gates are commutative but they are not associative. Then which of the following expressions is equivalent to x complement? Isme se kaun si expression jo hai wo x complement ke equivalent hai. If you remember it, I told you in the classroom itself, you can convert a NAND gate to a NOT gate as well as you can convert a NOR gate to a NOT gate. So in case of a NAND gate, agar aapke paas ek NAND gate hai, right? So in a NAND gate, this is your NAND gate. If this both these inputs are X, so the result will be X complement. In the same way, in NOR gate also, if both the inputs are same, both the inputs are X, the result will be X complement, right? So in this case, this statement is true because they are equivalent, right? This is equivalent to X complement, right? In the same way, this is also true because this is equivalent to X complement. If you look at this value here, X NAND 1. So just check out the table of NAND gate. This is X and this is Y and this is X NAND Y, right? So combinations can be 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. So this X NAND Y will be 0, 1, 1, 1. Now if you look at carefully, whenever we have 1 here, whenever we have 1 here, so if the value of X is 1, so the result will be 0. If the value of X is 0, then result will be 1. So this is also equivalent to X complement. But if you look at this value for the NOR gate, so just check this table for NOR gate, X NOR Y, so 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So for NOR gate, the values are 1, 0, 0, 0. Now in this case, if you look at it carefully, whenever the value of this Y is 1, jab bhi Y ki value 1 hai, so this is equivalent to X. Matlab jo bhi X ki value hai, same value will be X NOR Y. Here also, this is also equivalent to, this is equivalent to 0. Actually not even X, this is equivalent to 0. So in if Y is equal to 1, then X NOR Y will be equal to 0. Us case mein iski value hamesha 0 hogi. So this result will be equivalent to 0. This result is not equivalent to X complement. So correct answer is option number D, because they're asking which of the following is not equivalent to X complement. Isme se X complement ke equivalent kaun sa nahi hai. To iska jo answer hoga wo hoga option number D. Very straightforward answer, very easy question. Now again, the simultaneous equations of the boolean variables X, Y and Z, W are given below. Have the following solutions of X, Y, Z and W respectively. So what you can do in this question is, you can either solve these equations, aap in sabhi equations ko solve kar sakte hain, and then you can come up for the values, or the second way is that you can insert these values. In the previous questions, pichle questions mein I already told you ki aap in equations ko kaise solve karenge, how can you solve these equations, but in this video let me just insert these values and let us see ki kaun kaun si values in sab ko satisfy karti hai, theek hai? Let us take the first value. So here the value of X is 0, Y is 1 and Z is 0. Here the value of X is 0, Y is 1. Here the value of X is 0, Z is 1, Z is also 0 because
द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो, वाई इज़ वन, जेड इज़ ज़ीरो एंड डब्ल्यू इज़ ज़ीरो, एंड हियर डब्ल्यू इज़ ऑल्सो ज़ीरो, एंड हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो, वाई इज़ वन, जेड कॉम्प्लीमेंट विल बी वन, एंड दिस डब्ल्यू विल बी, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट विल बी वन. तो अब आप चेक करो, दिस रिजल्ट इज़ वन, दिस इज सेटिसफाइड, दिस रिजल्ट इज सेटिसफाइड, दिस रिजल्ट इज नॉट सेटिसफाइड. तो फर्स्ट ऑप्शन से जो ये जो रिजल्ट है ये सेटिसफाई नहीं होगा. यू कैन जस्ट इंसर्ट दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड यू विल फील दैट द रिजल्ट शुड बी ज़ीरो. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेटिसफाई नहीं कर रहा है. क्लियर सो फार? नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग दैट एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वन. सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज हियर. सो एक्स की वैल्यू आपके पास वन है, वाई भी वन है, जेड ज़ीरो है. एक्स की वैल्यू वन है, वाई भी वन है. सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हियर दिस कंडीशन इज नॉट सेटिसफाइंग बिकॉज वन डॉट वन इज इक्वल टू वन. तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मैच नहीं कर रहा. सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो नॉट मैचिंग, राइट? सो नाउ लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी सेज एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू वन एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वन. इंसर्ट दिस वैल्यूज. सो वी हैव वन ज़ीरो वन, दिस इज वन एंड ज़ीरो, दिस इज वन वन एंड डब्ल्यू इज गोइंग टू बी वन एंड दिस वन ज़ीरो एंड जेड कॉम्प्लीमेंट. हेयर जेड कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है दैट विल बिकम ज़ीरो एंड डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है दैट विल ऑल्सो बिकम ज़ीरो. सो दिस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, थर्ड इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, फोर्थ इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग. सो फॉर दिस प्रॉब्लम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा जेड. हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो लेट अस डू वन थिंग, वी विल स्टार्ट विद द इनर मोस्ट इक्वेशन. हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई. सो इंस्टेड ऑफ ए जस्ट पुट एक्स प्लस वाई, इंस्टेड ऑफ बी जस्ट पुट वाई, देन यू विल गेट एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई. दिस विल बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई. एंड इफ यू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई आफ्टर अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यूज एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई. नाउ इंसर्ट दीज वैल्यूज हियर. सो वी हैव एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉमा जेड. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड विच इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड विच इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड. सो एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी वेरी ईजी. काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस इन द एग्जामिनेशन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इन दिस केस. इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है. नाउ लेट अस लुक एट दिस बुलियन फंक्शन. दे आर गिविंग अ बुलियन फंक्शन एंड दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू दिस. सो वी हैव एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. सो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दीज टू आई कैन टेक वाई एज कॉमन. सो दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट. सो इफ आई टेक वाई एज कॉमन आई विल गेट एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू वन. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई. अगेन यू कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई ओनली. सो दिस एंटायर इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई विच इज ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. नेक्स्ट, द फंक्शंस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो वी हैव ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. नाउ देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. यू कैन अप्लाई के मैप ऑन दिस, राइट? बट अगेन बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अ के मैप, सो डायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू कम अप टू द इक्वेशंस. ठीक है, हम लोग यहाँ पर के मैप नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट आई कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अ के मैप एंड देन दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी वेरी ईजी एज यू कैन सी. ओके, सो लेट मी शो सॉल्व दिस क्वेश्चन बोथ द वेज. आई बिलीव सम ऑफ यू माइट वॉन्ट मी टू सॉल्व यूजिंग अ के मैप. तो सबसे पहले हम इसको के मैप के थ्रू सॉल्व करते हैं. एंड वी हैव थ्री वेरिएबल्स हियर. सो वी हैव अ वेरिएबल ए, वी हैव अ वेरिएबल बी एंड वी हैव अ वेरिएबल सी. सो दिस वैल्यू विल बी ए कॉम बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी
BC and BC complement, and this is A complement and A. So the values here, when I say A B complement C, this is 1, and when I say A complement BC, this is 1, and A B C complement, this is also 1, and A complement B complement C, this is 1, and we have A B complement C complement, this is also equivalent to 1, right? Now here you can find make subcubes here. So what are the subcubes that are possible? You can make this subcube. आप यहाँ पर इसको subcube बना सकते हैं, and you can make this subcube, correct? And you can also make this subcube. आप इस तरीके से you can make some subcubes, right? इसके अलावा भी there are other subcubes are also possible. Let me also show you one more way of making a subcube. So what you can do is you can make them as a subcube. आप इन दोनों को एक subcube बनाएंगे, and then you can make this as a subcube. So you can clearly see for this K-map, we have multiple solutions are available. इस K-map के लिए multiple solutions available है, right? Because one implicant is there जहाँ पर essential prime जो है वो नहीं है, okay? But anyways, let me show you the solution here. So this subcube is representing BC, and this subcube is representing A complement and C, and this subcube here it is representing A and C complement. So that means using this, the answer should be A complement C plus AC complement plus B complement C. ठीक है? Now let us see if this answer is matching. If it is not matching with any of the options, then I have to check for other options. ठीक है? तो in the first case A C complement this is there, A B is not there, so this option is not matching for this equation. Let us look at the second option here. So in option number B we have A B complement plus A C complement plus A complement C. Again this is also not matching. In the third option again you can see it is also not matching, because in each of these options we are getting A B. इन सभी ऑप्शंस में हमारे पास ए बी आ रहा है. दैट मीन्स आई हैव टू मेक अनदर सबक्यूब. इसके अलावा जो दूसरा सबक्यूब हमने चेक किया था, आई हैव टू यूज दैट अनदर सबक्यूब. लेट मी शो यू हाउ कैन आई यूज इट. दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी सी, राइट? नाउ इन दिस केस अगेन यू कैन मेक दिस टेबल बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए. नाउ द वैल्यूज 1 आर 1 1 1 1 एंड 1. So that means I can make the following subcube, that I can use these here. So I can make a subcube with this, right? And I can make this subcube, and I can make this subcube. Instead of that one, I can make this subcube. मैं ये वाला subcube भी यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है? So if I am making these subcube, so ये जो subcube है, this subcube is representing A C complement. This subcube here, it is representing what? It is representing A B complement, right? And this subcube here, it is representing A complement C. So that means the equation will be A B complement plus A C complement plus A complement C. Now check if it is matching with any of the answers, right? So here we have A B, so obviously it is not matching. Here we have A B complement, and we have A C complement, and we have A complement C. So option number B is correctly matching with it. Option number B जो है वो directly यहाँ से match कर रहा है. In the same way, you can see option number C is not matching, and option number D here, it is also not matching. So correct answer for this problem is option number B. So this is the very first way of solving this problem using the K-map. आप इस तरीके से K-map को use करके इस problem को solve कर सकते हैं. But what can be a second way? Second manner could be if you are using the Boolean algebra axioms. So how I can use A B complement C plus A complement B C plus A B C complement plus A complement B complement C plus A B complement C complement. Now you can clearly see that we need A B complement. So I can take A B complement as common from this equation, and from this equation I can take A B complement as common. So we'll get C plus C complement plus, now I can take another equations. Now I can take this equation and this equation, and I can take A complement C as common, so inside they will be B plus B complement, and then we have A B C complement. So this will be equal to A B complement plus A complement C plus A B C complement, right? Now from these two equations I can take I can apply distributive law. मैं यहाँ पर distributive law को भी apply कर सकता हूँ, right? और instead of this I can use these two equations also. मैं दोनों equations को use कर सकता हूँ. So if I take these two equations, so this will be equal to, I can take A as common, so this is B complement
plus b c complement plus a complement c. Now from this equation again you can apply distributive law. तो आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी एंड दिस विल बी इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी. इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो अगेन यू विल गेट द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर मिलेगा. सो एज यू कैन सी देर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड आई हैव शोन यू बोथ द वेज. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू दिस गिवन एक्सप्रेशन. तो आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, राइट. नाउ यू कैन ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो आई थिंक आई रिटन इट रॉन्ग, सो लेट मी राइट इट अगेन. सो इट इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, फाइन. Now let us open these brackets. So if I open these brackets, so this will become a b complement plus a complement b xor c, which is equivalent to which of the following? It is again, this is a b complement plus a complement b xor c, and again if you open this xor, so this will become a b complement plus a complement b dot c complement plus a b complement plus a complement b whole complement dot c. Now this dot here, this will make it as a XNOR gate. This will make it as XNOR gate. तो ये जो है आपको एक XNOR gate बनाएगा, right? So but again you can see it here. This can be equal to a b complement c complement plus a complement b c complement plus this is a b plus a complement c complement dot c. Again if you open it, this is a b complement c complement plus a complement b c complement plus a b c plus a complement c complement and this is b, right? So this is b and b complement. So a complement, this is a complement, b complement and c. Okay, so this is the equation that you are going to get. Now what you have to do is either you can solve this equation and you can come up to the any one of these option. आप इस पूरी equation को solve करके ऊपर में से किसी option के साथ आ सकते हैं, और you can do is you can open the above options. तो मतलब आप सबको open करके and then you can check कि आप इसमें से कौन सा solutions आपके साथ match हो रहा है. ठीक है, now you can clearly see यहाँ पर you have total of four midterms and in all of these four midterms all these three variables are coming, right? So this is a sum of product expression. This is an SOP expression, and the first option is given as POS expression, and the second option is also given as product of sum expressions. So logically, both of these two POS expressions should not be the same. But again, you can try and open this POS expression, and you can compare this POS expression with this. So आपका जो comparison है, maybe that answer will not match. Let me show you for the option number A. Anyways, I will basically skip option number A and B. I will just check option number C in the examination, but again let me show you with option number A first. तो examination मैं खुद अगर personally attempt करता तो मैं directly option number C को check करता, मैं option number A और B को यहाँ पर check नहीं करता, because वो दोनों जो expressions है वो product of sum expression है, और जो मुझे expression मिली है ये sum of product expression है. बट मैं फिर से option number A आपको check करके बता देता हूँ. So this will be equal to A dot A complement plus A dot B complement plus A dot C complement plus b dot a complement plus b dot b complement plus b dot c complement plus c dot a complement plus c dot b complement plus c dot c complement. So here this value will be 0 and this value will be 0 and this value will be 0. So we will get a b complement plus a c complement plus a complement b plus b complement c complement plus a complement c plus b complement c. And from this you can see even if you try and open it, you will find out that this is not even matching this with this given equation, right? So that is why I will not check option number A. So let us directly check option number C. So option number C is giving a b c plus a complement b xor c plus b complement a xor c. So let us open this. So it is a b c plus a complement b complement c plus b c complement plus b complement into a complement c
प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए सी कॉम्प्लीमेंट. नाउ हियर इन दिस इक्वेशन इज देयर एनी टर्म्स दैट कैन बी कम्बाइंड. सो यू कैन सी दिस टर्म एज वेल एज सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट राइट. देन यू कैन सी दिस टर्म एंड दिस टर्म कैन बी कम्बाइंड. ये दोनों जो टर्म्स है कम्बाइन की जा सकती है. सो आई विल गेट ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. एंड यू कैन सी दिस इज एक्चुअली मैचिंग विद दिस. तो आपके पास ये जो टर्म है द फर्स्ट टर्म हियर विच इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन हियर. द सेकेंड टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन हियर. द थर्ड टर्म इज गिवन हियर एंड द फोर्थ टर्म इज एक्चुअली गिवन हियर. सो यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑप्शन नंबर सी इज डायरेक्टली मैचिंग विद दिस इक्वेशन. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ से मैच कर रहा है. सो दिस शुड बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. ठीक है. ओके सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2007. सो वी हैव फोर इक्वेशंस हियर एंड दे आर गिविंग अस अ वैल्यू हियर फॉर द फंक्शन. दे आर आस्किंग विच ऑफ दिस इक्वेशंस इज इक्विवेलेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट. सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन. सो वी हैव द इक्वेशन पी विच सेज वी हैव एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस W complement X Y complement plus W Y complement Z plus X and Z. So you can see in each of these terms only one term is missing. Okay. So let me use something a variable for that one term. I can let us suppose I am using a variable M for that. Right. So for missing term, I'm using a variable M for this. Right. So that means here, what is missing? Here W is missing, so I can write M instead of that and I'm going to write the values of these terms. So this is 0 0 0 plus. Here you can see here W is there, X is there, Y is there, but Z is missing. So I can write 0 1 0 and M plus. Here we have W is there, so W jo hai wo yahan par already available hai, right? So which is 1. Y is X is not here, so I'm going to write M here. So 0 and Z की जगह पर I'm going to write 1. अब यहाँ पर you can clearly see यहाँ पर W is missing and Y is missing. So I can write M 1 Y की जगह पर I'm going to write M and for Z I'm going to write 1. Z की जगह पर भी I'm going to write 1. So this value is going to be again wherever I have to write I have written M. तो हर एक term को I have to write instead of m I have to write a value 0 as well as I have to give a value 1. So yani ki jo first term hai, the first term can be written as 0 0 0 0 plus it can also be written as 1 0 0 0. Yani ki jahan par m hai uske jagah par ek bar aap 0 rakhenge aur ek bar 1 rakhenge. Then the second term here it is 0 1 0 0 and it can also be written as 0 1 0 1. Jo third term hai this can be written as 1 0 0 1 and it can also be written as 1 1 0 1. And the fourth term hai, it can be written as 0 1 0 1 and 0 1 1 0 1 and 1 1 0 1 and 1 1 1 1. So this value is 0, this is 8, this is 4, this is 5, this is 9, this is 13, this value is 5 and this value is 7, this value is again 13 and this value is 15. So this P can be represented as summation 0 5 4 5 7 9 13 and 15. तो यहाँ पर 0 4 5 7 9 13 and 15 आएगा and plus 8 is also there so you can see P जो है P is directly matching with this. So option number P is correct. तो अगर हमारा P true है तो directly you can see that ऑप्शन नंबर ए जो है आप उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर आस्किंग विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट. सो फ्रॉम दिस यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए. अब ऑप्शन नंबर ए को यहाँ से डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. सो लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर बी आई मीन द स्टेटमेंट नंबर क्यू. सो क्यू इज सेइंग इज डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स जेड. अगेन आई एम गोइंग टू राइट टर्म लेट अस सपोज एम हियर. तो दिस विल बिकम जीरो M 0 0 plus this will become 1 0 0 M plus this will become M 1 M 0.
सो ये जो टर्म बनेगी दिस इज 0000 प्लस 0100 प्लस ये जो टर्म बनेगी दिस इज 1000 प्लस 1001 प्लस ये जो टर्म बनेगी दिस इज 0101 प्लस 0110 प्लस 1100 प्लस 1110 ठीक है. सो सॉरी हियर इट इज 1 राइट. सो लास्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज नॉट 0, दिस इज 1. सो आई डन दिस सिली मिस्टेक हियर. सो हियर वी हैव 1 1 1 and 1 राइट. सो दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 8, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 9, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 5, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 7, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 13 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 15. देयरफॉर इट इज समीशन 0 4 5 8 5 7 8 9 13 and 15. सो यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर क्यू है दैट इज ऑल्सो ट्रू. स्टेटमेंट नंबर पी इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर क्यू इज ट्रू. सो डायरेक्टली आई कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए, आई कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर बी. अब मैं ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ. नाउ आई हैव टू चेक ऑप्शन नंबर सी मतलब स्टेटमेंट नंबर आर. सो लेट्स टेक स्टेटमेंट नंबर आर. सो स्टेट नंबर आर सेज दैट वी हैव W कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट प्लस W X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट प्लस X Y एंड Z प्लस X Y कॉम्प्लीमेंट एंड Z. सो जस्ट पुट देयर वैल्यूज. सो दिस विल बिकम 0M00 प्लस दिस विल बिकम 100M प्लस दिस विल बिकम M111 प्लस दिस विल बिकम M101. सो जस्ट एक्सपैंड दिस वैल्यू. सो दिस इज 0000 प्लस 0100 प्लस 1000 प्लस 1001 प्लस 0111 प्लस 1111 प्लस 0101 प्लस 1101. सो दिस वैल्यू इज 0, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 7, दिस इज 15, दिस इज 5 एंड दिस इज 13. So you can clearly see again all these values are matching here. So we have 0, 4, 5, we have 7, 8, 9, we have 13 and 15. All these values are matching. So P, Q and R, all these three statements are matching. So obviously maybe this is the case that S is not matching, right? I have to check. So aap check kar sakte hain yahan se S ke liye. So we have X complement, Y complement, Z complement plus W X complement, Y complement plus W complement Y. So this statement can be written as M000 plus this statement can be written as 100M plus this statement can be written as 0MY and M. So ye expand hoga aapke paas yahan par. This is 0000 plus 1000 plus 1000 plus 1001 plus 00. This Y is 1, right? So 0010 प्लस 0011 प्लस 0110 प्लस 0111. सो दिस वैल्यू इज 0, दिस इज 8, दिस इज अगेन 8, दिस इज 9, दिस इज 2. सो यू कैन क्लियरली सी 2 इज नॉट कमिंग एनी वेयर हियर एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 7. तो यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास आ रही है वो आ रही है 0, 2, 3, 6, 7, 8 and 9. सो विच इज नॉट मैचिंग. सो यू कैन क्लियरली सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओनली ऑप्शन नंबर डी इज नॉट इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल इक्वेशन. जो ऑप्शन नंबर डी है वो ओरिजिनल इक्वेशन के इक्विवेलेंट नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. दे आर सेइंग डिफाइन द कनेक्टिव स्टार फॉर द बुलियन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एज. तो आपके पास बुलियन वेरिएबल्स एक्स और वाई गिवन है. सो वी हैव एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है एंड वी हैव टू डिफाइन स्टार. तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टार है दैट इज एक्स एक्स नॉर वाई. एक्स एक्स नॉर वाई जो है वो यहाँ पर गिवन है राइट. सो जेड इज गिवन एज एक्स एक्सॉर एक्स एक्स नॉर वाई. तो हमें इन सभी की वैल्यूज को निकालना है. सो टेक द फर्स्ट इक्वेशन. सो वी हैव पी विच इज एक्स इज इक्वल टू वाई स्टार जेड. तो यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वाई स्टार. द वैल्यू ऑफ जेड इज एक्स स्टार, दिस इज एक्स स्टार वाई राइट. एंड वी नो दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सनॉर ऑपरेशन. ये कौन सा ऑपरेशन है? दिस इज एक्स एक्सनॉर वाई. ये एक एक्सनॉर ऑपरेशन है
एंड वी नो व्हेन आई डू एक्स एक्सनॉर एक्स, अगर दो एक्स का एक्सनॉर करते हैं तो वैल्यू इज वन, राइट? एंड एक्सनॉर ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, एक्सनॉर जो है वो कॉम्यूटेटिव भी है. सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज वाई एक्सनॉर एक्स एक्सनॉर वाई, विच कैन ऑल्सो बी टेल एज वाई एक्सनॉर एक्स, ठीक है? और यू कैन ऑल्सो से इट दिस वे दैट दिस इज इक्वलेंट टू दिस वैल्यू विच इज दिस इज इक्वलेंट टू y x nor y x nor x. So this value here, this will be equivalent to 1. तो ये हो जाएगा आपके पास 1 x nor x. अगर आपके पास 1 x nor x है, in that case this value will be equivalent to x only. ये जो पूरी value है ये x के equivalent होगी. So the first term p is giving a value which is equivalent to x, and that is true. The p statement is true. Now let us look at the q statement. Q says we have y is equal to x star z, and which is equivalent to x star z, again x star y, which is again x nor operation, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास x x nor y, if you open it x x nor y, which is equal to 1 x nor y, and 1 x nor y is equivalent to y only. तो second statement is also true. Look at the third statement. Third statement r is saying x star y star z is equal to 1. So here x, x nor, y, x nor, the value of z is basically equivalent to x, x nor, y, right? So this can be written as x, nor, x, x nor, y, and because it is commutative, so I can say this value is equivalent to x, x nor, y, x nor, y. So ye jo hai, yahan par commutative hai. So I can also write it this way. 1 x nor 1 which is equivalent to 1 only. 1 x nor 1 जो है वो 1 के equivalent होता है. Therefore r is also true. P is true, q is true and r is true. Therefore the correct answer is option number d, that all three of them are valid. ये तीनों जो है ये valid है. I hope you can see it's a very very easy question they have asked. Next, if p, q and r are boolean variables, then simplify this. So we have p plus q complement, and we have p dot q complement plus p dot r, and then we have p complement dot r complement plus q complement. This equation is given to you, right? Now in this equation, how can you solve it? Just open the brackets first of all. So this is p dot q complement plus p dot r plus q complement dot p dot q complement plus p dot r dot q complement, and which is equal to p complement dot r complement plus q complement. And you can see this is equivalent to p q complement, this is equivalent to p r, this is equivalent to p q complement, and this is equivalent to again p r q complement, and here it is p complement dot r complement plus q complement. Now this is repeating two times, ye do bar repeat kar raha hai, plus here you can apply distributive law, or you can take p r as common. So I can write it as p q complement plus, if I take p r as common, so it is 1 plus q complement. तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा, एंड दिस इज पी कॉम्प्लीमेंट डॉट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, विच कैन बी रिटन एज पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर, एंड हियर वी हैव पी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट. नाउ अगेन यू कैन ओपन दिस ब्रैकेट्स, आप इसको ओपन करेंगे, सो दिस विल बिकम पी क्यू कॉम्प्लीमेंट पी कॉम्प्लीमेंट डॉट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर डॉट पी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर dot q complement. So here you can see because of p complement p, this is equivalent to 0, and again this is okay, this equation is okay, but here you can see this also equivalent to 0. So this equation can be written as p q complement plus p r q complement. Here you can take p q complement as common, so this is 1 plus r, which is equivalent to p q complement only. So this entire equation can be written as option number a, which is p q complement. In this way you can easily solve this equation, and I hope that you understood it is such an easy question. Next, they are asking the truth table represents which of the boolean function. Ye kaun sa boolean function ko represent karta hai? So you can clearly see this value is actually equivalent to one value of x only. Yeh sirf x ki value ke equivalent hai. So correct answer is option number a. ठीक है, वैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट दिस वे, जस्ट राइट दिस इक्वेशन, दिस इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज प्रेजेंटिंग एक्स वाई, सो इट इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई, एंड यू कैन टेक एक्स एज कॉमन, सो वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, सो दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ एक्स एंड वाई. सो वी हैव एक्स नॉर,
सो एक्स नॉर इज बेसिकली एक्स वाई नॉर एक्स आई मीन एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट. सो फर्स्ट वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ़ यू टेक द सेकेंड वन, सो हियर वी हैव एक्स एक्सॉर वाई कॉम्प्लीमेंट, सो विच इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट विच इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई. सो अगेन दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग. क्लियर? इन द सेम वे अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं दैट दिस वन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग. सो इवन इफ यू डू एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स और वाई, सो दिस इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इवन इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट, सो विच इज अगेन इक्वलेंट टू सी हियर दिस इज इक्वलेंट टू एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. सो दिस इज नॉट इक्वलेंट टू एक्स नॉर, तो ये एक्स नॉर के इक्वलेंट नहीं है. दिस इज इक्वलेंट टू एक्स एक्स और वाई, ये एक्स एक्स और वाई के इक्वलेंट है. सो दिस स्टेटमेंट डी इज नॉट ट्रू. सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. क्लियर? सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन दैट वी हैव एन एक्सॉर ऑपरेशन एंड वन एंड जीरो डिनोट द बाइनरी कॉन्स्टेंट. नाउ लेट अस सॉल्व इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट, राइट? So let me show you the properties. If this is A, this is B, and this is A XOR B. So if these values are 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, so this will be 0, 1, 1, 0. So that means if I do a variable A XOR with 0, agar A ko hum 0 ke saath XOR karenge, so output will be equivalent to A. If I do A XOR with 1, so agar hum A ko 1 ke saath XOR karenge, then output will be A complementation. Right? In the same way, if I do A XOR with A, then the output will be equivalent to 0. And we know that XOR is commutative as well as XOR is also associative. XOR jo hai wo commutative bhi hai aur saath saath mein XOR associative bhi hai. So now take this entire equation. We have 1 XOR P, XOR P, XOR Q, XOR P, XOR Q, XOR Q XOR 0. These are the values that is given. Correct? Now from here, if I do 1 XOR P, so 1 XOR P will be equal to P complement. So it is P complement XOR P XOR Q. Right? Again, we have an XOR word here. And here, when I say Q XOR with 0, aapke paas jo Q XOR with 0 hai, that is equivalent to Q only. Q XOR with 0 is Q. So this is P XOR Q XOR with Q. Clear? Now from here you can see that when I have P XOR with P complement, P XOR with P complement, this is equivalent to 1. So this is 1 XOR Q XOR. And from this side, from the right hand side, when I do P XOR with Q and Q complement, Q and Q, so this is equal to 0. Now again you can open the bracket. So this is 1 XOR Q. अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू P ओनली, राइट? तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो दिस वैल्यू इज इक्वल टू P. सो वेयर इज 1 XOR Q XOR P. सो दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग. नाउ इन दिस वैल्यू यू कैन क्लियरली सी दिस शुड बी इक्वलेंट टू सेइंग Q कॉम्प्लीमेंट XOR विद P, एंड Q कॉम्प्लीमेंट XOR विद P इज इक्वल टू सेइंग Q XOR विद P होल कॉम्प्लीमेंटेशन. बिकॉज आई हैव सीन एस वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, वेन एवर वन एनी वन ऑफ द टर्म इन द एक्सॉर इज कॉम्प्लीमेंटेड देन इट इज एक्टिंग एज ए एक्स नॉर गेट. ये एक्स नॉर गेट की तरह काम करता है. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. कंसिडर द बुलियन ऑपरेशन हैश विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट? सो इट इज एक्स हैश विद जीरो यू विल गेट एक्स, एक्स hash with 1 you will get x complement. We have x hash with x you will get 0, x hash with x complement again you will get 1. Then they are asking which of the following statement is true. ये जो statements है ये इसमें से किसके equivalent है. And you can see this is a very very easy question here. So why it is so easy, let me show you with the help of example.
ठीक है. एक्चुअली दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट विच इज एक्सऑर गेट. ये एक्सऑर गेट की प्रॉपर्टीज हैं. इफ़ यू रिमेंबर द एक्सऑर गेट इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन. सो वेन यू डू एक्सऑर विद सेम वैल्यू देन यू विल गेट द सेम वैल्यू. इफ यू डू कॉम्प्लीमेंट अगेन दिस इज इक्वल टू वन. आई थिंक दिस इज डायरेक्टली क्वेश्चन जिसको हम पीछे कर चुके हैं. सो आई डोंट रियली हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर ए. आई डोंट रियली हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद दिस बिकॉज आई नो दैट दिस आर द डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सऑर गेट. Now they are asking in this question, let x1, x2, x3, x4, xor is equal to 0. And these are Boolean variables. And x, this is representing xor. So which of the following must always be true? Ye in mein se charon mein se kaun sa hamesha true rahega? Theek hai? So we know we have x1, xor, x2, xor, x3, xor, x4 is equal to 0. So this value will be equivalent to 0. So let us suppose that we have x1 is equal to 1. X2 is equal to 1, X3 is equal to 1 and X4 is equal to 1. So in that case, this first equation will satisfy. So let us try and put these values here. So first case mein kya hoga 1.1.1.1 is equivalent to 1. So this is wrong. Second case mein kya hoga 1.1.+1 is equivalent to 1. So second is also wrong. See, आई नो कि एक्सऑर जो है उसकी वैल्यू जीरो कब हो सकती है, राइट. सो इफ ऑल दीज फोर वेरिएबल्स आर वन तो एक्सऑर की वैल्यू जीरो होगी. अगेन वी कैन हैव मोर कॉम्बिनेशन. इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बट दिस इज द ईजिएस्ट कॉम्बिनेशन दैट आई कैन फाइंड. ये सबसे ईजिएस्ट कॉम्बिनेशन है. सो अगेन यू कैन चेक इन दिस केस ऑल्सो. यहाँ पर आप चेक करेंगे. सो दिस इज वन कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर वन कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू जीरो. सो दिस वैल्यू इज करेक्ट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. And option number D is wrong. So correct answer here is option number C. Now this is the question. Again you can see in this question what they are asking, that हमारे पास कुछ equations हैं and they are asking that which of the following equation is incorrect. इसमें से कौन सी equation incorrect है. It's a very easy example. So it is wx + wx + y + x dot x + y. So this is the left hand side in the first case. So in the left hand side you can take wx is here and you can write it as wx + wy + x + xy, right. Now from these three ye isko aap wx + wy + x + xy likh sakte hain. From here, here and here you can take x as common. So after taking x as common you will get 1 + w + y + wy. And you can see it will be equal to x + wy. So left hand side is equal to right hand side. Very easy. आप इसको easily solve कर सकते हैं. Now let us look at the option number B. In option number B we have wx + y + z + whole + w + x. So you can apply De Morgan's law in this. So it is wx + y + z + whole + w + x. So again you can apply De Morgan's law. So it is w + x + y + z + w + x, which is equal to w + x + y + z + w + x. So from this equation and this equation you can take w complement as common. So this will be equal to 1 + x + x + y + z, which is equal to w + x + y + z. So which is exactly matching. So option number B is also correct. Option number B जो है वो correct है. So let us take option number C. Option number C को लेते हैं. So in option number C we have wx + y + xz + w + x and we have y here. So open the brackets. So this is wx + y + wx + xz + w + x and here we have y. So this value will be wx + this value will be 0 w + x + and here we have y. So just open the brackets. So this is wx + y + w + x + and again we have y. So this can be from here. So I think I've done some mistake. Let me check again. So we have wx + x + z + w + x + y, right. So here this equation wx + y, this equation will be wx + x + z, this will become 0, and here we have w + and this is y. So from this equation we get wx + y + w + x + y
राइट। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ फ्रॉम दीज टू वैल्यूज यू कैन टेक एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एज कॉमन, सो इट इज डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। सो यू कैन सी इट इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। सो सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो चेक ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट दिस इज डिनोटिंग एक्सोर एंड दिस इज डिनोटिंग एक्सोर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। दिस वन इज ट्रू, हमें क्लियरली पता है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट हियर, जो सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास है आप चेक कर सकते हो, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, द थर्ड स्टेटमेंट हियर, सो विच इज सी, फर्स्ट टू स्टेटमेंट तो हम लोग पीछे किस एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दोज क्वेश्चंस, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज पी एक्सोर क्यू एक्सोर, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वी हैव डन, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो वी हैव टू चेक ऑप्शन नंबर डी ओनली, बिकॉज पहले तीन ऑप्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द सेम वीडियो, इसी वीडियो के अंदर हम पहले तीन ऑप्शन देख चुके हैं। Only we have to check option number D. So we have P XOR of P XOR Q. So हमें पता है कि when you take P XOR with P complement, this is equal to 1. So this is 1 XOR with Q and this will be equal to saying Q complement. ये Q complement के equal होगा. If you look at the right hand side, it is P XNOR with P complement, XNOR with Q complement. तो हमें clearly पता है P XNOR with P complement is basically 0. XNOR with Q कॉम्प्लीमेंट, एंड ये जो वैल्यू है 0 XNOR with Q कॉम्प्लीमेंट, अगर Q की 0 वैल्यू है तो दिस वैल्यू विल बिकम 1, सो दिस विल बिकम 0, राइट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस इज आई थिंक इक्विवेलेंट टू Q, राइट। सो वी नो इफ यू डू 0 XNOR with 1 देन यू विल गेट अ वैल्यू, तो 0 XNOR with 1 देन यू विल गेट अ वैल्यू 0, एंड 0 XNOR with 0 यू विल गेट अ वैल्यू 1, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है, अगर Q की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा आपके पास 1, तो 0 XNOR with 1 is 0, राइट। तो आपके पास वैल्यू 0 ही आ रही है, और अगर Q की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 0 XNOR 1 is 0, सो करेक्ट। तो अब यहाँ पर चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी हम पहले भी चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। So this is the last question from GATE 2019. Which of the following is not valid? इसमें से कौन सी statement valid नहीं है? So you can see the first statement is valid because XOR is associative. XOR gate जो है वो associative है. Now we have to check the second statement. तो पहले second statement को check करते हैं. So it is X plus Y XOR Z. तो ये आपके पास क्या होगा? This is X plus Y whole complement Z plus X plus Y Z complement, right? And which is equivalent to x complement dot y complement dot z, and this is x plus x z complement plus y z complement. If you take the right hand side here, so right hand side will be x XOR y plus z, which is equal to x complement y plus z plus, which is x y plus z whole complement, which is equal to x complement y plus x complement z plus x y complement and z complement. And I can see this is and this is are matching. This is x complement y is there, so these are not matching. So you can clearly see here option number b is not matching, option number b is false, option number b jo hai wo false hai. So now let us check the third option here. So third option mein kya hai aapke paas, x XOR y which is equal to x plus y, theek hai, and we know that x y is equal to 0. तो एक्स वाई जीरो कब होगा? या तो एक्स जीरो है और वाई वन है, या फिर एक्स वन है और वाई जीरो है, या फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। अब अगर मैं बोलता हूँ एक्स एक्सोर वाई के केस में, तो यहाँ पर अगर एक्स जीरो है और वाई वन है तो इस केस में इसकी वैल्यू होगी वन। सो इन द सेकेंड केस एक्स एक्सोर वाई के केस में, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो वन है और जो वाई की वैल्यू है वो जीरो है, तो उस केस में दिस वैल्यू विल बी अगेन वन। और जो फोर्थ केस है यहाँ पर एक्स एक्सोर वाई के केस में, एक्स की वैल्यू भी जीरो, वाई की वैल्यू भी जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो दिस इज एक्चुअली इक्वलेंट टू दिस, राइट। सो यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, सी इज करेक्ट। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो चेक ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी, वी नो दैट वी हैव एक्स एक्सोर वाई इज बेसिकली एक्स एक्सनोर वाई होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सनोर वाई। तो क्लियरली सी ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिटी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चंस एंड